H-1B वीजा बिल के बाद अमेरिका दो नए बिल लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे इंडियन आईटी इंडस्ट्री की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी संसद में दोनों नए बिल पेश किए गए हैं। एंड आउटसोर्सिंग एक्ट के तहत अमेरिका में आउटसोर्सिंग पर बैन लग सकता है, और इसके अलावा हाई स्किल्ड इंटीग्रिटी और फेयरनेस एक्ट ऑफ 2017 का मकसद है स्किल और वेज बेस्ड सिस्टम लागू किया जाना। नई योजना अमेरिका के हाई स्किल्ड लेबर को ध्यान में रखकर बनाई गई है, ताकि उसी हिसाब से H-1B वीजा जारी किए जाए। और साथ ही साल 2007 के वीजा बिल को नए सिरे से भी लाया जा रहा है, जिसके तहत अमेरिकी वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। सस्ते लेबर के चक्कर में कुछ कंपनियां विदेशी वर्कर्स को नौकरियां दे रही हैं, जिसे देखते हुए भी डोनाल्ड ट्रंप सरकार नए बिल ला रही है। H-1B वीजा की फीस दोगुनी कर $1,30,000 कर दी गई है।